जयपुर से खबर है, झालाना में बदला है लेपर्ड सफारी का समय। आज सुबह से सफारी के समय में बदलाव हुआ है। सुबह की शिफ्ट में सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक सफारी, वहीं शाम की शिफ्ट में पूर्व की तरह शाम 4:15 बजे से 6:45 मिनट तक होगी सफारी। एसीएफ सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी दी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी बताइएगा, जो शिफ्ट टाइमिंग को बदला गया है, क्या वजह है? क्या ग्रीष्मकाल के प्रवेश के साथ इस तरह के फैसले लिए जाते हैं या फिर कोई अन्य वजह, और अब क्या समय किया गया है? निर्मल जी देखिए शिखा, झालाना और आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर सफारी के समय में बदलाव सूर्यास्त और सूर्योदय में जिस तरह से बदलाव होता है समय में, उस तरह से ही किया जाता है। अब चूंकि दिन बड़े होने लगे हैं मकर संक्रांति के बाद से ही, और अब सूर्यास्त का समय बढ़ गया है, सूर्योदय जल्दी हो जाता है, तो यही कारण है कि अब सुबह की जो शिफ्ट है उसको 6:30 मिनट यानी सुबह 6:30 बजे से 9 बजे कर दिया गया, जो पहले 7 से 9:30 बजे थी, उसके बाद इसको 6:45 से 9:15 किया गया था, लेकिन अब चूंकि सूर्योदय जल्दी होता है तो उसको 6:30 से 9 बजे कर दिया ताकि अच्छी साइटिंग हो सके। और शाम की शिफ्ट की बात करें तो जो पहले 4 से 6:30 बजे तक का समय था उसको बढ़ा करके 4:15 से 7:15 यानी 4:15 बजे से 6:45 बजे तक कर दिया गया है। बेसिकली जो लेपर्ड होता है वो वाटर पॉइंट पे आता भी उसी समय, अगर शाम की बात करें तो 5 से 5:30 के दरमियान का जो समय होता है वो लेपर्ड के मूवमेंट का समय होता है। तो ऐसे में एसीएफ सुरेंद्र शर्मा ने एक आदेश जारी करके सफारी के समय में बदलाव कर दिया, जो आज से लागू भी हो गया है। इसका फायदा सीधे तौर पर शिखा ये मिलेगा कि जो यहाँ पर्यटक आते हैं, जो यहाँ शोधकर्ता आते हैं, यहाँ जो वन्य जीव प्रेमी आते हैं, उनको प्रॉपर लेपर्ड की साइटिंग हो, इसके लिए समय में बदलाव बहुत जरूरी था, क्योंकि लेपर्ड के मूवमेंट का जो समय होता है वही बेहतर साइटिंग का समय होता है। तो ऐसे में इस समय में बदलाव का फायदा सीधे तौर पर वन्य जीव प्रेमियों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को मिलेगा। और अच्छी बात यह है, जब पर्यटन कहीं पर प्रॉपर तरीके से चलता है तो वहाँ समुचित मॉनिटरिंग भी होती है। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में पर्यटकों का भी बड़ा योगदान होता है कि किस जगह किस तरह के हालात है, लेपर्ड किस पोजिशन में दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला है, एसीएफ सुरेंद्र शर्मा ने इसको आज से लागू कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें यहाँ पर पर्यटकों को लेपर्ड की साइटिंग भी बढ़ेगी और मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का काम भी बहुत पुख्ता और मजबूत हो जाए। जी ठीक है निर्मल।